आर यू लुकिंग टू बाय योर फर्स्ट होम इन पुणे? एज एन इन्वेस्टर, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको रीसेल वैल्यू साथ ही साथ रेंटल अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले? तो आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाला हूं एनपी रिट्रीट का। ये लोकेटेड है भूमकार चौक के पास, ऑपोजिट टू गोल्डन केयर हॉस्पिटल, और अप्रॉक्सीमेटली 300 टू 400 मीटर्स की डिस्टेंस से है अपकमिंग मेट्रो स्टेशन से। साथ ही साथ मुंबई बेंगलोर हाईवे अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे है। तो ये काफ़ी शानदार लोकेशन पे लोकेटेड है। स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग इज़ नियर बाय। जो न्यू फिनिक्स मार्केट सिटी बन रहा है ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो चलिए मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये है एनपी कॉर्पोरेशन का। इन्होंने ऑलरेडी जो है 2500 फ्लैट्स का डिलीवरी दे चुके हैं। इनका लेगेसी है अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स का, और 23 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये बना चुके हैं। बात करें एनपी रिट्रीट की, तो इसमें जो है दो टावर्स हैं जिसमें आपका 204 यूनिट्स की अवेलेबिलिटी है। इसमें आपको ओनली 1 BHK के एक्सक्लूसिव यूनिट्स मिलेंगे जिसका कारपेट एरिया रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 492 स्क्वायर फीट का, और इसका जो प्राइसिंग है 46 लाख से शुरू होता है। इसमें आपको 2 बालकनी साथ ही साथ 2 वॉशरूम्स मिल जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि बजट सेगमेंट में रहने के बावजूद इसमें आपको रूफटॉप एमिनिटीज़ मिलती है, और लोकेलिटी भी काफ़ी शानदार है, और जो यूनिट डिज़ाइन है, जो लेआउट है, ये भी काफ़ी शानदार है। तो चलिए बिना किसी देरी के सैंपल फ्लैट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आई होप सो आपको ये प्रोजेक्ट बहुत शानदार लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर है तो डेफिनेटली आपको इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपको साइट विजिट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे सेल्स एक्सपर्ट आपके लिए साइट विजिट अरेंज करवा देंगे। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है इस प्रोजेक्ट को लेकर, डेफिनेटली यू कैन गिव अस अ कॉल। वी कैन डेफिनेटली गिव यू एंटायर डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ब्रोशर, कॉस्ट शीट, व्हाटएवर यू वांट। साथ ही साथ अगर आपको कोई अदर क्वेरीज है, कोई अदर प्रोजेक्ट आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कमेंट में बिल्कुल मेंशन करें ताकि हम आपके लिए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस लेके आते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।